नमस्कार दोस्तों, नमस्ते के वाई पी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो भी बच्चे के वाई पी में पढ़ते हैं और के वाई पी में जब एडमिशन लेते हैं, उस समय के वाई पी के द्वारा ये बताया जाता है कि 1,000 रुपये जो आप एडमिशन में दे रहे हैं, वो जैसे ही आप के वाई पी पास करेंगे तो आपका 1,000 रुपया रिफंडेबल हो जाएगा, यानी आपके खाते में वापस चला जाएगा। तो आज की वीडियो में बताने वाले कि आपका 1,000 रुपया आया है कि नहीं, यानी कौन कौन से बैच का 1,000 रुपया वापस आ गया है और कौन से बैच का अभी तक नहीं आया है। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं BSDM के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में जा करके skillmissionbihar.org लिख करके सर्च करना होगा। जैसे लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और BSDM का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट इस वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। अब यहाँ आने पर आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाना होगा इसको ड्रैग करके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कुशल युवा प्रोग्राम, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपके सामने 3 कोर्स आएंगे, KYP कोर्स, KYP फॉर ITI, KYP फॉर PNE। तो अभी फिलहाल हम आपको KYP कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब यहाँ KYP कोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे KYP कोर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा जो इस तरीके से शो करेगा। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है राइट साइड के डाउन कॉर्नर में लिखा है नंबर ऑफ जनरेटेड इनवॉइसेज। इस इनवॉइसेज के यहाँ 3 डॉट जो दिया है, यानी 3 लाइंस, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, बैच, इनवॉइस नंबर, रोल, पेमेंट के बारे में बताया है, इनवॉइस जनरेशन डेट के बारे में बताया है। अब आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर 2021 बैच के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका री एग्जाम जो दिया है, उन सबका भी 2 इनवॉइस जारी किया गया है कैंडिडेट के लिए, और 17 मई को जारी किया गया है। यानी 17 मई के बाद अपना पासबुक छपा कर देखते हैं तो आपका पैसा आपके खाते में 1,000 रुपया जो एडमिशन के समय दिए थे वो वापस चला गया होगा। उसके साथ ही आप देखेंगे नवंबर 2021 बैच के जो भी है उसका भी री एग्जाम का फर्स्ट इनवॉइस जारी हो चुका है, कैंडिडेट बता रहा है, वो भी 17 मई को हुआ है। इसके साथ ही आप दिसंबर 2021 का देख रहे हैं जो थर्ड इनवॉइस जारी हुआ है, और री एग्जाम वाला नहीं जारी हुआ है, जो फर्स्ट एग्जाम दिए थे उसका थर्ड इनवॉइस जारी हुआ है। अब आप जानना चाहेंगे कि कितने इनवॉइस जारी होता है, तो इसमें थर्ड इनवॉइस तक जारी होता है, यानी फर्स्ट इनवॉइस में जितने बच्चों का पैसा जाएगा जाएगा, उसके बाद सेकेंड इनवॉइस में जाता है, उसके बाद थर्ड इनवॉइस में जाता है। यानी टोटली जो फर्स्ट बार एग्जाम दिए थे और फर्स्ट बार में पास हो गए थे उनका थर्ड इनवॉइस तक जारी हो चुका है, उन सभी का पैसा उनके खाते में चला गया होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा सितंबर 2021 बैच, इनका भी री एग्जाम वाला है। उसके बाद अक्टूबर 2021 का जो री एग्जाम का फर्स्ट इनवॉइस है, ऊपर में दिखाया था आपको सेकेंड इनवॉइस, तो ये जारी हुआ था 20 अप्रैल को, यानी पिछले मंथ में जारी हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे नवंबर 2021 का, ये भी है थर्ड इनवॉइस जो कैंडिडेट के लिए है, और ये भी 20 अप्रैल को जारी हुआ था। उसके साथ आप आते हैं फिर यहाँ नीचे में, तो आपको मिलता है अगस्त 2021 बैच री एग्जाम का है, सितंबर 2021 बैच री एग्जाम फर्स्ट इनवॉइस है, इस तरीके से। उसके बाद अक्टूबर 2021 बैच आते हैं, उसका थर्ड इनवॉइस है। तो इस तरीके से 2021 वाले बैचों का पूरा पेमेंट उनके खाते में चला गया है। अब आप सोच रहे हैं कि जो 2022 में किसी बैच का गया है कि नहीं, तो 2022 में किसी भी बैच का कैंडिडेट जितने भी हैं उनको पैसा वापस नहीं गया है, चाहे वो फर्स्ट बार में पास हुए हों या री एग्जाम दे करके पास हो रहे हों। तो जान लीजिए 2022 के जितने भी बैच हैं, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, इसमें से अगर जो जनवरी फरवरी बैच वाले एग्जाम दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, उन सभी में से किसी का भी पैसा अभी रिफंडेबल नहीं हुआ है। तो आप धैर्य बना के रखिए, आपका भी पैसा रिफंडेबल हो जाएगा। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपका किस किस बैच का रिफंडेबल पैसा जो है आपके खाते में चला गया है, यानी रिफंडेबल हो चुका है, और किस किस का किस किस बैच का अभी बाकी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।